हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज के इस ब्लॉग में मैं महाराष्ट्र के उस्मानाबाद ज़िले में आया हूँ। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद ज़िले के धाराशिव यानी कि जो प्राचीन कालीन गुफाएं हैं और वहाँ पर कुछ प्राचीन गुफाओं जो शिलाखंड हैं पहाड़ के उन्हीं को काटकर कुछ प्राचीन मूर्तियाँ और मंदिर बनाए गए हैं, तो जिसे धाराशिव यहाँ पर लैनी के नाम से जाना जाता है, उस्मानाबाद लैनी, तो वहीं का दर्शन मैं आपको कराऊंगा। साथ ही साथ वहां पर घुमाकर सभी जगह की वहां की प्राकृतिक जो दृश्य होंगे वो आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करूंगा। तो बहरहाल इस ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहिएगा, तो आनंद लीजिएगा ब्लॉग का, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग ये होने वाला। फिलहाल मैं उस्मानाबाद बस स्टैंड से रवाना हो चुका हूँ। लैनी यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसा आप देख रहे हैं कुछ ही देर में हम वहां पर पहुंचते हैं और पहुंचकर आपको वहां की जो लोकेशन है, लोकेशन ऑन लोकेशन का वीडियो और ऑन लोकेशन की जो भी सिचुएशन है, फिलहाल कितनी कैसी गुफाएं हैं, कैसे मंदिर हैं, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। तो आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो का आनंद। नजदीक आ चुके हैं और पहुंच चुके हैं इन गुफा मंदिरों के पास में। नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया था, उस्मानाबाद महाराष्ट्र का जो उस्मानाबाद जिला है वहां पर लैनी नामक एक जगह है जहां पर धाराशिव नाम से ये जगह जानी जाती है। और बात करें तो यहाँ पर ये प्राचीन गुफाएं हैं और गुफाओं में प्राचीन यहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। यहाँ पहाड़ को काटकर ये गुफाएं बनाई गई हैं। इसके लिए यहाँ पर चारों ओर आप देखेंगे तो ये प्रकृति का मनोरम दृश्य आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं आपको बता दूँ, ये जो है पुरातत्व विभाग औरंगाबाद के अंतर्गत ये गुफा मंदिर आते हैं, जिसके बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर जैसे ही मैं गुफाओं के पास यहाँ पर जो मुख्य लोकेशन है यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और फिलहाल हम चलेंगे गर्भगाह में जहाँ पर ये गुफा मंदिर बने हुए हैं, वहाँ पर हम पहुँचेंगे। लेकिन उससे पहले ये सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं, इन सीढ़ियों से उतर के आपको आना पड़ता है और आगे हम बढ़ेंगे किस तरीके से मुख्य जो गुफा मंदिर है उसकी ओर बढ़ते हैं। जैसे ही यहाँ पर हम मुख्य जो स्थल है वहाँ पर पहुँचते हैं, तो पहुँचते ही नीचे जैसे सीढ़ियों से पहुँचेंगे तो आपको राइट साइड में एक इस तरीके से ये गुफा मंदिर या गुफा देखने को मिलेंगी, जिस पर मूल रूप से गेट लगे हुए हैं और दो विंडो बनी हुई हैं, जैसे आप देख सकते हैं। फिलहाल इसके ऊपर कोई फ्रेम नहीं है और इस तरीके से हम देखेंगे कि ये पहाड़ को काट कर बनाया गया एक यहाँ पर रूम टाइप में ये बना हुआ है, जिसमें पहाड़ी के नीचे किस तरीके से एक शिलाखंड है और इसी शिलाखंड को यहाँ पर, हालांकि मैं आपको बता दूँ, हम देखेंगे तो ये चूना जो है, चूना और पत्थर मिलाकर लगाया गया है, लेकिन कुछ यहाँ पर पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो हम अंदर चलकर यहीं से शुरू करते हैं। जैसे ही हम एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद यहाँ पर ये जो एक इस तरीके का ये गुफा मंदिर आप अंदर एंट्री की है, और अंदर एंट्री करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है कुछ यहाँ पर कुछ खंभे बने हुए हैं, पिलर बने हुए हैं, और इन पिलरों के सहारे यहाँ पर अंदर देखेंगे आप इस तरीके से कुछ गुफाएं हैं, और इसके रूम के अंदर भी रूम है, और इस तरीके से आप देखेंगे इसकी दीवार में इस तरीके का ये हॉल बना हुआ है, और इसके अंदर फिर यहाँ पर कोने में एक गुफा है, और आगे चलकर फिर इस तरीके से ये गुफा है। हालांकि इस गुफा के अंदर हम देखेंगे तो पत्थर की एक खंडित प्रतिमा हमें दिखाई देती है। ये देखिए, इस गुफा के अंदर इस तरीके से पहाड़ को काटकर ही बनाई गई ये खंडित प्रतिमा यहाँ पर एक सिंबल प्रतिमा का बना हुआ आप देख सकते हैं। मुख्य रूप से ये जैन गुफाएं मानी जाती हैं। आप देखेंगे इस जो ये गुफा का जो यहाँ पर ये जो एक तरीके से मकान टाइप में, ये रूम टाइप में बना हुआ है,
इस गुफा के अंदर ये चार पिलर हैं और इन्हीं पर इनको ऊपर जो छत है रुकी हुई है, और इस तरीके से अंदर भी चारों कोनों में इसके चार ये छोटे छोटे गुफाएं बनी हुई हैं अंदर और। अब हम इस गुफा से निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। पर्यटन स्थल है, वहाँ पर हम घूम रहे थे, तो पर्यटन के लिए यहाँ पर हमारे जो यहाँ लोकल के सर हैं उनसे हम ज़्यादा जानकारी जुटाते हैं और लेनी के बारे में क्या जानते हैं, किस तरीके से इन गुफाओं का निर्माण किया गया है और इसको लेकर क्या प्राचीन मान्यताएं हैं, या फिर किस तरीके से लोग यहाँ पर पर्यटन के लिए आते हैं, कहाँ कहाँ के लोग आते हैं, ये सारी जानकारी हम जुटाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल सबसे पहले सर आप यहाँ पर थोड़ा और आगे आ जाइए कमरे के सामने, और सर आप अपना नाम बताइए पहले तो। राहुल निंबाळकर जी। राहुल जी हमारे साथ हैं, राहुल निंबाळकर जी हमारे साथ में हैं, और साथ ही इनकी मैडम है मोहतरमा। तो मैम और सर जो आप इसके बारे में क्या जानते हैं, जो लेनी की गुफाएं आपने देखी इसके बारे में कितनी जानकारी आपको है, दर्शकों को दीजिए। सर ते 1000 साल पुराना मंदिर है जी, महादेव का ही मंदिर है बिल्कुल, और वो साधु जैन लोग उनके भी है, और बुद्धि नागा बुद्धि मंदिर उनका भी वो मंदिर है बिल्कुल, और महादेव का मराठा सरदार के दो समाधि है उधर। हाँ जी, महादेव के मंदिर के सामने बिल्कुल। ये 1000 से 2000 साल पुरानी है जी। यहाँ का यहाँ से व्यापार होता था तीर के पास जी, यहाँ से रोम से तीर तक जी जी जी, रोम से तेर तक यहाँ पर प्राचीन काल में व्यापार हुआ करता था, और यहाँ पर जैसा कि सर ने बताया जैन और बुद्ध कालीन प्रतिमाएं ही बनी हुई हैं और उससे संबंधित ये गुफाएं जो हैं बनाई हुई हैं मराठा शासन के समय की। और यहाँ से विशेष रूप से जानकारी आपको नई जानकारी ये मिली कि तेर तक यहाँ से एक तरीके से व्यापार किया जाता था, तो इसके अलावा सर अन्य कोई जानकारी? किसने बंदे के कुछ को मालूम नहीं, 1000 से 2000 पुराने ये। हाँ हाँ, लगभग आपने क्राइटेरिया बताया और बताने की कोशिश की जी, कोई बात नहीं, 1000 से 2000 पुरानी ये गुफाएं हो सकती हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं जी। मैम अन्य कोई जानकारी आप जानती हो? नहीं नहीं, मैं नई हूँ यहाँ पे। अच्छा, पहली बार जी, पहली बार आई। अच्छा, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर एक नई जानकारी आपको मिली, और वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए, एंजॉय करिए, वीडियो जो है ये ब्लॉग जो है वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिलहाल छोटी बच्ची भी इनके साथ में है, पूरा फैमिली जो यहाँ पर पर्यटन के लिए आया है, बहुत ही प्यारा सा ये परिवार, छोटा परिवार, सुखी परिवार, और देखते रहिएगा ये जो है ब्लॉग। थैंक यू सर। देखिए जो एक गुफा है उसके आगे एक और इसी तरीके से ये गुफा बनी हुई है, और जिसके अंदर आप बाहर से देखेंगे तो गेट आपको दिखाई नहीं देते, पहले कुछ पिलर्स दिखाई देते हैं। इसके ये जो स्तंभ हैं मुख्य रूप से ये शिलाखंडों को काटकर बनाए गए हैं, लेकिन इसके ऊपर कुछ आप देखेंगे इस तरीके से पत्थर, जैसे हम टाइल्स या फिर मार्बल लगाते हैं ठीक उसी तरीके से, लेकिन अंदर यहाँ से जैसे ही एंट्री करेंगे तो ये चूने का ही बना हुआ है, जैसे आप देखेंगे इसके ऊपर चूना है ठीक है, और नीचे जो है ये पहाड़ को ही काटकर बनाई गई जगह। और इस तरीके से अंदर हम चलेंगे तो यहाँ पर पहुँचने के लिए कुछ सीढ़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी, और इन सीढ़ियों से अब चढ़कर हम ऊपर इसके भी अंदर देखते हैं क्या कैसा सीन हमें देखने को मिलता है, क्या इसके अंदर भी कोई किसी तरीके की कोई प्रतिमा है या फिर कोई और दृश्य आपको देखने को मिलता है। चलते हैं अंदर। अंदर कुछ यहाँ पर पशुओं की जो पक्षी हैं या फिर कुछ जानवर हैं उनकी आवाज आ रही है, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं अंदर कुछ जानवरों की आवाज हमें सुनाई दे रही है, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैं आपको बता दूं फिलहाल यहां की लोकेशन ऑन लोकेशन में हूं, तो अंदर कुछ आवाजें आ रही हैं जो पक्षियों के बोलने की आवाज है, और चारों ओर इसके ऊपर ये देखिए आप इस तरीके से देखेंगे तो चारों ओर ये पिलर हैं अंदर भी, और इन्हीं पिलर्स के ऊपर यहां पर सामने ही एक बुद्ध की प्रतिमा हमें दिखाई देती है, लेकिन यहीं से किसी पक्षी की आवाज बहुत जोर से आ रही है।
फिलहाल मैं आपको बता दूं, अन्य कोई पर्यटक यहाँ पर नहीं है। बहुत ही अंधेरा होने की वजह से अंदर का जो गर्भगृह है इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम चलते हैं बाहर, बहुत अंधेरा हो रहा है और इसके भी चारों ओर यहाँ पर कोनों में ये देखिए इसी तरीके से छोटी छोटी गुफाएं हैं जिसके दरवाजे बने हुए हैं और ये मुख्य जो परिसर है ये इसी के ऊपर इस तरीके से यहाँ पर। और ये देखिए इस यहाँ पर जो गुफाएं हैं इसका मुख्य मंदिर ये जिसका आप यहाँ पर शिखर आप देख रहे हैं ये गुम्बद जो बना हुआ है ये है। लेकिन इससे पहले की जो गुफाएं हैं उसका हम एक तरीके से टूर कर रहे हैं, उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एक करके। अभी ये दो गुफाएं हम देख चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं और आगे का दृश्य हम देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई देता है। ये देखिए गुफा नंबर 3, आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं इस गुफा के अंदर यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं जो मराठी भाषा में हैं, आप पढ़ सकते हैं इस तरीके से। अब हम यहाँ पर प्रवेश द्वार की ओर देखते हैं, ये इस गुफा नंबर 3 का प्रवेश द्वार है। जैसे ही हम यहाँ पर एंट्री करेंगे लेने में तो ये राइट साइड से गुफाएं बनी हुई हैं और ये तीसरी गुफा है जिसके प्रवेश द्वार के अंदर हम आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से यहाँ पर भी आपको सीढ़ियाँ देखने को मिलती हैं और ये भी इसी पहाड़ी को काटकर इस तरीके से बनाया हुआ गुफा है। और ये गुफाएं मुख्य रूप से जैन धर्म से संबंधित थे और यहाँ पर आप देखेंगे अब जो गुफा नंबर 3 है इसके अंदर किस तरीके से कोई मूर्ति है या किस तरीके से बनी हुई है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसका प्रांगण देखेंगे तो अन्य गुफाओं की तुलना में ये बड़ी गुफा है जो हम देखेंगे कि यहाँ पर एंट्री करते ही राइट साइड में एक इस तरीके से छोटी गुफा का द्वार आप देखेंगे, ये प्रवेश द्वार। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से ये पहाड़ को काटने के बाद नीचे ये पिलर बनाए गए हैं जो फिलहाल यहाँ पर नवीनीकरण कहा जा सकता है कि नई तरीके से अभी इसको काटकर बनाने के बाद में अभी इसका पुनरुद्धार कर दिया गया है और फिलहाल ये जो पिलर है नए दिख रहे हैं। कहने का मतलब पिछली कुछ ही सालों में इसे बनाया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये देखिए बहुत सारे पिलर हैं यहाँ पर और इन पिलरों की संख्या काउंट करना, चलिए मैं काउंट करके आपको बताता हूँ कितने पिलर्स पर ये गुफा नंबर 3 टिकी हुई है। देखिए बहुत सारे पिलर हैं। अब यहां से हम चलते हैं आगे, यहां से आगे हम चलेंगे तो देखिए ये जो गर्भगृह है इसके अंदर यहां पर कुछ मतलब 4 पिलर नहीं हैं। काउंटिंग करें तो काउंटिंग के हिसाब से एक लाइन में 6 पिलर बने हुए हैं, ठीक है, जो नए पिलर हैं उनके साथ में। लेकिन ये जो बीच वाली 2 लाइन है इनमें से 2-2 पिलर गायब हैं। इस तरीके से 32 पिलर्स यहाँ पर हैं। फिलहाल जो मुख्य यहाँ पर द्वार है, मुख्य ये जो गर्भगृह है इसके लोक किया हुआ है, ठीक है। तो आप देखें इस तरीके से ये गुफाएं बनी हुई हैं, यहाँ से इसकी दीवार से पानी टपक रहा है। पानी निश्चित रूप से ही ऊपर पहाड़ है और पहाड़ को काटकर बनाया गया है तो पहाड़ी के नीचे से पानी टपक रहा है और पानी इसके यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से। अब हम बाहर चलते हैं, मूल रूप से यहाँ पर विशेष रूप से आपको बता दूं कि इस पहाड़ी को काटकर ये गुफा बनाई गई है और इस गुफा में टोटल 32 यानी कि 32 खंभे हैं। और जहाँ पर हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आगे यहीं पर इसी प्रवेश द्वार से जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आगे एक और छोटी गुफा हमें देखने को मिलती है तो उसकी ओर हम बढ़ेंगे। और फिर यहाँ पर कुछ लोकल के हमारे साथी जो हैं, दोस्त जो है बैठे हैं, उनसे भी हम जानकारी जुटाएं। देखिए अभी जो हम यहाँ पर हैं, फिलहाल मैं एक बार बेसिक जानकारी आपको दूंगा।
ये जो गुफाएं हैं प्राचीन कालीन गुफाएं हैं, यहाँ पर माना जाता है वनवास के टाइम में राम और सीता यहाँ पर रुके थे। तो सीता के नहाने के लिए कुंड था, स्नान कुंड जिसे आप कहेंगे, वो यहाँ पर बना हुआ था। कुछ गुफाएं हैं जिसका दृश्य आपने देखा और देखते रहेंगे। अब यहाँ पर जो पानी का स्रोत है या जल स्रोत जिसे कह सकते हैं, उसकी ओर हम बढ़ते हैं। ये जल स्रोत था और ये कुंड माना जाता है पानी का, जिसमें यहाँ पर जो साथी बैठे हुए हैं उनके द्वारा कहा गया है कि इसमें कभी भी पानी की मात्रा कम नहीं होती। जितना पानी इसके अंदर है उतना ही पानी हमेशा बना रहता है। अब आप देखेंगे ये कुंड बना हुआ है इस तरीके से, ये पहाड़ का गर्भ है और इसी पहाड़ के गर्भ में इस तरीके से ये पानी का स्रोत आप देख रहे हैं। इस कुंड में ये पानी भरा हुआ है, लेकिन जो हमारे यहाँ पर ये जो साथी हैं लोकल के यहाँ पर, इन्होंने जानकारी दी है कि ये पानी कभी भी कम नहीं होता, अंत भी नहीं है। और कहने का मतलब ये पानी कभी भी खत्म नहीं होता, यहाँ पर ये इतना जल भरा ही रहता है। इनका कहना है कि यहाँ पर सीता माता जब भी रुकी थी तो स्नान के लिए यहाँ पर आया करती थी, स्नान किया करती थी। तो ये सीता माता का स्नान कुंड बताया जा रहा है। आप देखेंगे इस तरीके से ये स्नान कुंड गुफा नंबर 3 राइट साइड से जैसे ही हम आते हैं उससे आगे का, और इस तरीके से ये जल स्रोत हम कह सकते हैं। यहाँ पर जो शिव मंदिर है उसकी ओर हम बढ़ेंगे। ये जो शिव मंदिर है इसका मुख्य द्वार आपको इस तरीके से दिखाई देता है और शिव मंदिर की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही मनोरम और सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलता है, पहाड़ी की तलहटी में बना ये मंदिर। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं शिव मंदिर की ओर और अंदर से हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से प्रतिमा स्थापित की गई है और किस तरीके से ये गुफा मंदिर बना हुआ है। तो चलते हैं मंदिर के अंदर और अंदर का दृश्य आपको दिखाते हैं। ये देखिए हम अब मंदिर के अंदर आ चुके हैं। अंदर से जैसे ही हम देखेंगे कुछ पक्षियों की आवाज़ चहलकदमी चहचहट हमें सुनाई देती। ये देखिए यहाँ पर भी गुम्बद बने हुए हैं, गुम्बदाकार अंदर से कुछ बने हुए हैं जो पिलर्स हैं और गुम्बदाकार। आ जाइए सर अंदर आ जाइए आप भी। यहाँ पर ये देखेंगे कि चारों ओर ये गुम्बदाकार और इसके बाद यहाँ पर ये शिव का मुख्य मंदिर है। इस शिव के मुख्य मंदिर के अंदर हम बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं जूते खोलना चाहूँगा तो मेरे शूज नीचे खोल देता हूँ, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म का ये पवित्र स्थल माना जाता तो मैं जूते खोलकर ही मंदिर के अंदर। देखिए जो शिव मंदिर है इसके अंदर जैसे ही हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से हमें यहाँ पर ये शिवलिंग स्थापित किया गया है और ये बहुत ही सुंदर प्राचीन अति प्राचीन मंदिर हम कहेंगे यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है। चारों ओर से आप देखेंगे ऊपर एक गुम्बद बना हुआ है, ये देखें गुम्बद इस तरीके से आपको दिखाई देता है और ये पहाड़ी की तलहटी में लेनी नामक जगह पर ये शिव मंदिर जिसका गर्भगृह है और ये शिवलिंग प्रतिमा आप देख रहे हैं। बहुत ही अति मनोरम दृश्य, आपने पहाड़ी के बीच काटकर ये मंदिर और गुफाएं बनी हुई हैं और इस गुफा के अंदर ही ये मंदिर का सीन, जहाँ पर ये कुछ साथी हैं यहाँ पर लोकल के जिन्होंने मेरी सहायता की है इस वीडियो को बनाने में आप देख रहे हैं। तो फिलहाल अब हम इस मंदिर के चारों ओर घूमते हैं। ये देखिए ये जो मंदिर का गर्भगृह है इसके चारों ओर मैं आपको घुमाता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर जाएंगे तो ये एग्जिट गेट है जिससे आप बाहर निकल सकते हैं और गुफाओं की ओर बढ़ सकते हैं। यहाँ पर ऊपर जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, इस सीढ़ियों से हम ऊपर भी आपको लेकर चलेंगे, लेकिन एक और मंदिर के जो गर्भगृह है उसके पीछे का दृश्य आपको दिखाऊंगा। ये गुम्बद इस तरीके से बने हुए हैं, यही है लेनी की गुफाएं। ये लेनी की गुफाएं जिसमें मुख्य इस जो यहाँ पर गुफाओं का जो आकर्षण का केंद्र है ये शिव मंदिर है। ये शिव मंदिर इस तरीके से बना हुआ है जहाँ पर गुम्बद है और गुम्बद के पीछे से आप देखेंगे इस तरीके से ये द्वार जो गेट है इसके पीछे इस तरीके से ऊपर है जो खुला है और उसके बाद में ऊपर ये इसका जो आप कह सकते हैं गुम्बद बना हुआ है
और इस गुम्बद या मड़ी जो है इसकी बनी हुई है, जिसके ऊपर अब हम सीढ़ियों से प्रवेश करेंगे और सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं और ऊपर का एक दृश्य हम देखेंगे। बहुत बढ़िया, आ जाओ। ये साथी हैं जिन्होंने बहुत ही हेल्प की है वीडियो बनाने में, विजय कुमार। और विजय कुमार के साथ में मैं फिलहाल शिव मंदिर की जो छत है, टेरिस जो है, इस पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि ये जो गुम्बद है इसमें किस तरीके से ये बनाया गया है, क्या इसी में भी कोई मूर्ति या कलाकृति काट कर बनाई गई है, या किस तरीके से किस यहाँ पर किस पत्थर का प्रयोग किया गया है, ये हम देखना चाहते हैं। तो हम बारीकी से निरीक्षण करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये चूने पत्थर के साथ बना हुआ ये इस तरीके से, और कुछ ईंटें और पत्थर इसकी चिनाई में काम में ली गई हैं, जिससे हम अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे ये कुछ ईंटें हैं और इसके साथ में चूना लगा हुआ है, तो चूने के साथ में ईंटों को लगाया गया है। यहाँ पर ईंटों का चूने से और ऊपर सीमेंट से इसका पिच वर्क, या फिलहाल मैं कहूँ तो इसका एक तरीके से अभी जीर्णोद्धार किया गया है। और यहाँ पर चारों ओर से घूमकर मैं इसको जो है आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और थोड़ा दूर ये लंबी चौड़ी टेरिस इस तरीके से बनी हुई है। और ये देखिए, यहीं से ये गुफाएं भी आपको देखने को मिल जाती हैं। हमारे जो साथी हैं वहाँ नीचे बैठे इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग इस पहाड़ी के तलहटी में यहाँ पर बैठे आनंदित और प्रकृति का जो दृश्य है इसका लुप्त उठा रहे हैं। और अब यहाँ पर जो शिव मंदिर बना हुआ है इसके एक ओर यहाँ पर गहरा गर्द है, यानी खड्डा है, खाई बनी हुई है, और इस तरह ये दोनों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये पहाड़ी के नीचे तलहटी में पानी एक और पानी का स्रोत है, जल का स्रोत है। तो हम अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और वापस हमारे जो इसका प्रवेश द्वार है उसकी ओर चलते हैं। जब हम प्रकृति की गोद में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से ही बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। मुझे भी यहाँ पर आकर बहुत सुकून मिल रहा है, विशेष रूप से किसी देवता का स्थल हो और देवता के स्थल पर हम पहुँचते हैं तो मानो हमें एक नया जीवन, या कहें एक तरीके से बिना जल के कोई मछली तड़प रही हो और फिर उसको जल मिल जाए तो बात कुछ अलग हो जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी मेरा मन नहीं लग रहा था और काफ़ी उदास अकेला बैठा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी घुमाया जाए लेनी। और आज इस लेनी की गुफाओं का आनंद आपने लिया, लेनी की गुफाएं आपको दिखाई गई। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना इंटरेस्टिंग ये वीडियो है, अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ये प्रकृति की अनुपम छटा आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए किस तरीके से बहुत ही यहाँ पर पूरा ग्रीननेस, हरियाली आपको दिखाई देती, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है। जो हमारे इंडिया के बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर अभी तेज़ गर्मी और धूप है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको बता दूँ महाराष्ट्र के सभी ज़िलों में बारिश शुरू हो गई है, और इसके चलते यहाँ पर इस पहाड़ी के चारों ओर आपको हरियाली हरियाली नज़र आती है, जिसे देखकर दिल को बड़ा सुकून मिलता है। ये देखिए चारों ओर का एक दृश्य मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल यहाँ पर कोई टूरिस्ट, यहाँ का स्थानीय या फिर कोई विदेशी या फॉरेनर यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन के चलते और कोरोना के चलते यहाँ पर टूरिस्ट वैसे भी कुछ लोग आते हैं, कुछ गिने चुने, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम कुल मिलाकर 10 से 12 मेंबर्स हैं।